अभी मुझे अब बहुत से लोग जो हैं, मतलब उस समय बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ये एक बहुत ही एक टफ लाइफ के फेस से गुजर के आई हैं अभी रिसेंटली, बल्कि अभी भी इसको फाइट कर रही हैं और बहुत से लोगों को पता नहीं है। और क्योंकि ये इतना हंसती मुस्कुराती हैं, शी इज़ सो फुल ऑफ एनर्जी कि कोई ये यकीन ही नहीं कर सकता कि फराह जी को अभी रिसेंटली स्टेज 3 कैंसर जो है वो डायग्नोस हुआ था। सो वो जो रेवलेशन थी वो आपको कब पता चला कि मुझे कैंसर है? और आप जैसे बंदा जो कितना हंसता खेलता और उसको पता चले कि ओ हो, और आप सिंगल मदर, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, हाउ हार्ड वॉज इट फॉर यू? नहीं, जिस दिन मुझे पता लगा, मैंने बच्चों में हलचल देख ली क्योंकि मेरे टेस्ट हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो जब मेरे बच्चे ज़्यादा वॉक करने लगे ना, तो फिर नेचुरली मैं सोचती, तो मैं बेड पे लेट के सोची थी कि बच्चों कोई गड़बड़ है। तो फिर एक दिन उसी रात ये लोग आके बैठे कि मम्मा एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ, क्या हुआ है मुझे? तो इन्होंने बताया मैं कि मम्मा आपको कैंसर डायग्नोस हुआ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा किधर का? कहने की किडनी का। ओके ठीक है, कल जाते हैं डॉक्टर। हाँ, क्योंकि सीटी स्कैन की रिपोर्ट पहले आ गई थी, तो हमने जब रिपोर्ट्स बाहर भेजी तो जो साइज था ट्यूमर का वो 5 सेंटीमीटर से ऊपर था, जो कि कैंसरस होता है। तो आइडिया तो रात में ही हो गया था, तो हमने कहा कि कल डॉक्टर बताएगा, उससे बेहतर है हम सब साथ मिलकर बैठ के उनको एक हिंट दे दें कि उनके लिए शॉकिंग ना हो, अगर कुछ भी हो तो हम संभाल लें वहाँ पे। तो जब हमने उनको बताया, मेरा छोटा भाई उस वक्त लाहौर क्रिकेट खेलने जा रहा था, तो मैंने अली भाई, मेरा बड़ा भाई जो है अली भाई, मैंने उनको बोला कि उसको बोले मत जाएं, क्योंकि कल हम जा रहे हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं ये वो। तो मैंने कहा मम्मा से बात करते हैं। हमने मम्मा से बात की, मम्मा ने कहा हाँ खैर हो गई, क्या हो गया, कल डॉक्टर के पास चलते हैं और सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मम्मा जाओ, जाने दो, वो जाए उसको नहीं बताना वो रुक जाएगा तो मैं परेशान होंगी, वो डिस्टर्ब होंगे, वो छोटा था, छोटे बच्चे ज़रा अटैच होते हैं। और वो लाहौर चला गया उस दिन, जिस दिन हमें शाम में जाना था, सब कुछ हो गया, सर्जरी वगैरह, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें 3 दिन बाद की डेट दी कि हम लेट नहीं कर सकते, करनी है। और मेरा छोटा भाई लाहौर में था, उसको पता ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि उसको हमने इतना पैम्पर करके रखा हुआ है और उसका वो लाइफ में इतना बड़ा एक चीज़ थी जो उसने हमेशा से वेट की थी, उसने इंतजार किया उस चीज़ के लिए, वो हो रही थी, उसका ख्वाब था ऑफकोर्स। और मैं और मेरा भाई थे दो, छोटे को पता नहीं और मम्मा इस हालत में, बहुत मुश्किल था। तो आपको जब स्पेशली, क्योंकि सर्जरी जैसे बताया कि जब पता चला उसके बाद 3 दिन के अंदर ही आपकी सर्जरी भी करनी थी, सो आप कितनी होपफुल थी कि हाँ हो जाएगा? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता ना कि हाँ भाई मैं ही हूँ, फादर तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो मुझे रुकना है, मुझे तो चलना है अभी। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, सीरियसली मुझे कोई यहाँ से खौफ नहीं था, शायद उसका हाथ था, क्या था, आई डोंट नो, मुझे जिसको कहते हैं ना इतना सा खौफ नहीं। मैं ऑपरेशन थिएटर पे लेटी हुई, डॉक्टर मुझे कह रहे हैं ओके, मैं हंस रही थी, तो ये सब समझे कि मैं डिनाइल में, डिनाइल, मेरे भतीजे भतीजियां वो। अच्छा, इस चीज़ में, कैंसर में आपकी फैमिली भी बहुत मैटर, बहुत सफ़र भी बहुत करती, मैटर भी बहुत करती, आपकी फैमिली का सपोर्ट, उसका तो हो, उसका हो तो उसके बगैर नहीं हो सकते। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे भाभियाँ और मेरे सारे भतीजे भतीजे, मैं जिसको कहते हैं ना एक मेरी वो बनी हुई थी माशाल्लाह दीवार। मुझे ये था कि अगर मुझे कुछ होता भी है ना, मुझे पता था इतना कि मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, संभाल लेंगे मेरे फैमिली वाले, इनको कुछ नहीं। हाँ, अगर छोटे होते ना बहुत, तब मुझे डर लगता, तो अभी ये लोग बड़े थे, मुझे कुछ भी नहीं था, और मुझे था कि मेरे जो पीछे लोग हैं ना वो इन तीनों को संभाल लेंगे। और वाकई में जब मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरे भतीजे, ये इन बच्चों को, मेरे छोटा वाला तो कब आया था, 3रे दिन आया था, जब आप
आईसीयू में होश में आ गई जब तो आप बेटे को तब बताया, छोटे वाले को? उसको तब बताया। अच्छा, इन लोगों पे वो रात बड़ी भारी थी जिस रात मेरे ऑपरेशन हुआ है, मेरे सारे चीज़ें लगी हुई थी, तो 8 घंटे की सर्जरी, 8 घंटे की सर्जरी, जो कि 10 घंटे हो गए थे और हम वेट कर रहे थे और हम बार बार पूछ रहे थे कि फरहा नादिर आई, उन्होंने कहा नहीं। फिर वो जो वेट, वो जो 8 जुम्मे वाला दिन था, जुम्मे की नमाज हो गई, लोग नमाज पढ़ने चले गए, हम, मैं 8 घंटे बाहर, मैं और मेरा भाई इंतज़ार कर रहे थे कि अब आएंगी, अब आएंगी। अजीब सा मंजर था क्योंकि वहाँ बहुत ऑपरेशन हो रहे थे और डेड बॉडीज जा रही थी और मैं बार बार बस देख रही थी और मैं पूछ रही थी फरहान आदिल, नहीं नहीं अभी तक कोई कॉल नहीं आई ऊपर से। मैंने कहा डॉक्टर ने 6 घंटा कहा था, 8 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे और एक्सीड हो गए। हाय हाय, मैं इसको बात को कंटिन्यू करूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस एक किसी बड़ी वाक़े की, और एक मतलब जिसने इनको और मज़बूत बना दिया। और सना, आप, मैं चाहूँगी कंटिन्यू करो, जो आप बताती कि जो कहाँ 8 घंटे की सर्जरी जब आहिस्ता लंबी होना शुरू हुई। तो अच्छा, हमें नहीं पता था कि वो पूरी मतलब ओपन सर्जरी होगी। डॉक्टर्स ने जब हम गए बाकी हॉस्पिटल्स तो उन्होंने कहा किडनी पे कट लगेगा, किडनी निकाल लेंगे। तो सुबह जब मम्मा को लेने आए डॉक्टर्स तो उन्होंने एक नोटबुक टाइप एक चीज़ थी, उन्होंने पेड़ बनाया और उन्होंने वो पूरा मार्क दिखाया, कहते हैं ये कट है, मम्मा सामने थी, ये पूरा कटेगा और 6 घंटे की सर्जरी है और ये है वो है। और मैं मम्मा को देख रही हूँ, मम्मा मुझे देख रही हैं, मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं हाँ, क्योंकि मम्मा के लंग्स के नीचे भी 2 लिम्फ नोड्स थे जो सीटी स्कैन में आए थे, तो किडनी में ट्यूमर था ही था, तो डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये भी कैंसरस हो तो ये रिमूव करना होगा, उसके लिए हमें हम छोटा नहीं कर सकते कट। तो उन्होंने, क्योंकि जो कैंसर होता है वो बहुत रिबेलियस होता है, अगर जैसे आप इंसान का गिरबान पकड़ते हो और वो हलचल मचाना शुरू कर देता है, रिटेलिएट करता है फौरन, कैंसर को आप इतने से कट में से रिमूव नहीं कर सकते। आपको बेरी पिकिंग लिम्फ नोड्स भी होते हैं, आपको आराम से चीज़ें हटा के निकालना होता है, क्योंकि वो फौरन आप उसको टच करोगे वो स्प्रेड होगा। तो डॉक्टर्स ने हमें ये सुबह एक्सप्लेन किया कि हमें तो ओपन सर्जरी करनी होगी और हमें तो और भी चेक करना। अब जो उन्होंने देखा सीटी स्कैन में उनको पता। खैर, मम्मा को लेके चले गए वो सुबह 7 बजे, उन्होंने कहा 6 घंटे की सर्जरी है। मैंने कहा ठीक है, मैं और मेरे भाई नीचे बैठे हुए हॉस्पिटल में, 6 घंटे हो गए, कुछ नहीं पता। तो 7 घंटे हो गए, उस वक्त जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज हो गई, 1:15 सुबह 7 बजे की मम्मा गई। तो मैं गई, मैंने कहा कि फरहा नादिर कुछ पता चला? कहते नहीं, हमें ऊपर से अभी तक कॉल नहीं आई, अब वेट करें। मैंने कहा 6 घंटे थे, 7 घंटे हो गए, अब वो एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत सारी बॉडीज जा रही थी सामने से और एक पैनिक मचा हुआ था और मैं बार बार पूछ रही थी वहाँ जाके, वो भी चिढ़ रहे थे और मैं, सब कह रहे हैं आप घर जाएं, आप यहाँ क्या कर रही हैं, अभी बहुत टाइम है। मैंने कहा मैं घर कैसे जा सकती हूँ, मेरी माँ ऑपरेशन थिएटर में है। हाँ, मैं मेरा भतीजा आया, उसका सब आए, मतलब पूरी फैमिली हमारी आई और सब ने हमें बोला कि थोड़ा चलो ये वो। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, मैं तो बस ये थी कि एक दफ़ा मुझे डॉक्टर मिल जाए और मुझे डॉक्टर बोले कि हाँ ऑपरेशन हो गया, 8 घंटे हो गए, जुम्मे की नमाज खत्म। उसके साथ वो भतीजे के साथ गार्ड आया, उसका सुनो क्या किया उसने? गार्ड आया तो उन्होंने कहा कि वो बता नहीं रहे थे मम्मा का कि क्या है, किधर है, कुछ भी, 8 घंटे से मम्मा का नहीं पता। तो खैर वो गार्ड लेके, उन्होंने गार्ड को बोला और वो ऑपरेशन थिएटर ऊपर पहुंच गए बूट्स वगैरह पहन के। वहाँ पे वो जो बंदा था कहते आप यहाँ
कहते वो फरहान नादिर आप लोग बता ही नहीं रही है, वो कहते आप ऑपरेशन थिएटर में बूट्स पहन के कैसे आ सकते हैं, जाए आप नीचे। कहते बस यही था कि वो ऑपरेशन थिएटर से मम्मा को स्ट्रेचर से बाहर निकाल के बोलते हम इतने परेशान थे कि कोई बता नहीं रहा, क्योंकि SIUT में था, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, वो हर किसी को एक तरह ट्रीट कर रहे थे, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि सब अपना काम कर रहे थे उस वक्त, पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं ये वो। तो अब वो गार्ड था उसको बोला प्लीज जाके देख लो, अब हमें नहीं पता था कि वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर इतना लिफ्ट गया और गन वन लेके ऊपर और कह रहा है फरहान नादिर गए। सी बात है ये, बट लेकिन मेरे ख्याल से ऑपरेशन के बाद फिर आपको पता था कि फिर आपकी आप क्योंकि आपकी कीमो भी हुई है, तो कीमो में तो सबसे ज्यादा खौफ होता है आपके बाल चले जाएंगे, और एक एक आर्टिस्ट के लिए मतलब उसको अपनी हर चीज से बड़ा प्यार होता है ना, प्यार। तो जब आपको फिर अच्छा मेरी मेरी कीमो भी होनी है, तो आप उससे डरी थी? नहीं मैं हाँ कीमो वाहिद था जिससे मैं डरी थी, और इसलिए कि वो इन्होंने बच्चों ने कहा कि वो सबसे ज़्यादा जो वो आप उस पर सर्च करते हैं ना वो सबसे ख़तरनाक है, उस पर सर्च ही नहीं करना चाहिए, वहाँ पे तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो उसने कहा कि नहीं मम्मा किडनी पे अफेक्ट करता है आपके सारे लंग्स, सारे जो होते हैं ना लंग्स पे लिवर पे ये सब आपका पॉजिटिव नेगेटिव सारे जो सेल्स हैं वो मार देते हैं, जबकि पॉजिटिव जो है 48 आवर्स के बाद आपका दोबारा हो जाता है। लेकिन मैं मेरे बाल यहाँ तक थे, तो इससे सबसे पहले कीमो से पहले उसने कहा कि मम्मा बाल शॉर्ट करा ले, वो मेरे लिए था, मुझे अपने बाल बहुत बहुत प्यारे प्यारे थे ना, हालांकि बाल बहुत बहुत मेरे हसीन बाल जिसको कहते हैं ना हैवी बाल, तो वो कट करवा के इसने यहाँ तक कराया कि मामा गिरे ना। इसमें बहुत अच्छी लग रही है। इनके उत्तरीन दाया। वो तो उत्तरीन दाया। सॉरी मैं वो तो हमेशा आपको बड़े बालों में देखे शॉर्ट कट में बहुत अच्छा। और इसका उम्र भी आपकी ज़्यादा कम लग रही है, बहन लग रही है। तो मुझे ये जो पहली कीमो हुई थी कौन से अभी कितनी कौन से मंथ में हुई थी? मेरी अभी तो महीना भी नहीं हुआ खत्म है। जुलाई में स्टार्ट हुई थी और सितंबर में खत्म हुई। अच्छा तो ये भी आपकी अभी हाँ मैं कीमो से पहले खत्म हुई। और अब वो जो थर्ड स्टेज है ना रेडिएशन का वो अब एंड ऑफ दिस मंथ था जो एंड ऑफ अक्टूबर स्टार्टेड 25 सेटिंग्स। तो बहुत सारी दुआएं जितने लोग भी देख रहे हैं उनकी दुआएं आपके साथ, और फिर ये रेडिएशन कितने अर्से चलेंगी? 1.5 मंथ। चलें अल्लाह पाक आपको जो है बीमारी करबला के सदके में आपको लंबी जिंदगी दे, आपको लंबी जिंदगी दे, अपने बच्चों की आप खुशियाँ देखें। बट ऑफ कोर्स ये कैंसर एक ऐसा वर्ड है कि मतलब हम सुनते हैं ना और अच्छा इससे आप पता है कि एक उससे जीत सकते हैं, एक तो अपने अल्लाह का साथ पंजतन पाक का साथ सब ये होना चाहिए, और सबसे ज्यादा आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैं बीच में अगर कभी होती थी कि मैं कहती हूँ अल्लाह सलामत रखे, बेटियाँ सबकी होती सबकी सांझी होती, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी जैसी बेटी, मैं कहती हूँ हाथ उठा के दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको ऐसी बेटी दे। ये इसने अपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट छोड़े इन 4-5 महीने में, ये हिली नहीं है मेरे बेड के, पाइती सोती है ये अभी भी, और हर थोड़ी देर बाद मुझे चेक करती यूं करके हर थोड़ी देर बाद कहती है मम्मा 15 मिनट हो गए आपने करवट नहीं ली। मैंने कहा बेटा थकी हुई हूँ भाई छोड़ दे ले लूंगी करवट। ये ऐसी पैनिकी है, कहाँ है अब खाया। अच्छा अब मैं एंड में जो है ना एंड वाली कीमो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे हो गई थी, मुझे नौजिया और बहुत शदीद हो गया था, तो इसके कोई एक वेब सीरीज थी उसको मैंने जिद करके कहा कि जाओ 3 दिन। ये 3 दिन गई है, मैं 3 दिन बेड से नहीं उठी। बेटे तो काम करते हैं ना बेचारे, रात को आके मम्मा ये खा लें वो खा लें, नहीं ये जबरदस्ती ये जबरदस्ती उठाती थी मुझे, मूवी ले जाती थी वहां, मैं पॉपकॉर्न शौक से खाती, मूवी शौक से नहीं देखती लेकिन पॉपकॉर्न ये मुझे पॉपकॉर्न यानी हर वो चीज खिलाती थी। मैं तो फ्रिज भी खोलती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं सब वो कर दे, मुझे अपना वो दौर याद आ जाता है जब ये लोग थे होने वाले फिर ये सोचती कि मामा सोच ले कि आप फिर उस दौर में आ गए। लेकिन देखें कितनी हाई, लेकिन देखें ये विल पावर ही है ना कि अब इनकी रेडिएशन होनी है और यहाँ पर बैठी हैं, फिर ये प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं, और मुझे लगता है आपकी स्ट्रेंथ है आपके बच्चे